राजा ने सोचा आज तो देखते हैं पूरा पूरा किसका होगा, दूध का। लेकिन देखा कुआ में दूध कहाँ से होगा, पानी ही पानी। तब हमने कहा कि देखो भैया, दान अगर बोल करके देते हैं, पूरी सभा में देते हैं, वहां पर दिखाना नहीं है, किसी को अपना मान बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर हम दान देते हैं तो दूसरे के भी भाव बनते हैं और खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है, एक तैयार हो जाता है व्यक्ति। हम तो कहते हैं हमारी कोई भी भावना हो सफल हो जाती, एक व्यक्ति हाथ उठा दे, बस एक व्यक्ति ने अगर हाथ उठा दिया बस काम हो गया, एक आया है यानी उसके पीछे और लग जाएंगे। एक तारीख को मैंने एक ही व्यक्ति को ही हाथ उठा दो भैया, एक आश्रमूषण वाला है कि नहीं, और एक हाथ उठाया और उसके पीछे चार और खड़े हो गए, उसी दिन पांच के भाव आ गए। तो एक भी आता तो भी हमारे संतुष्टि हो जाती, कोई बात नहीं, बोनी अच्छी होना चाहिए। और बोनी हो गई तो फिर बखननी तो कटननी आदि आदि जो कुछ भी होती है वो सारी की सारी हो जाती है। इसलिए आप लोग ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये अवसर है, अवसर पर दिया गया दान अमूल्य हो जाता है। यहाँ तो आपको रखना नहीं दे जाना है, क्योंकि आप जैसे ही आपका खाली होगा आपका खजाना फिर पुनः भर जाएगा। ये तो कुएं जैसा दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने दिया है कि कुआ में जो जितना पानी निकालते चले जाओगे वह बराबर हो जाता है, लेकिन अगर उसमें से निकालो नहीं तो ज्यों का भी तो बना रहता है और पानी सड़ भी जाता है। कहते हैं कि दिया तो जंग, दिया तो संग, खाया पिया तो अंग, और जोड़ा तो जंग भुजंग। जोड़ दिया तो जंग लग जाता है, या रखा रखा उस पर जाकर के भुजंग बन करके बैठ जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, खाते पीते हैं तो अंग में लग जाता है, और अगर दे दिया तो वह संग चला जाता है। ऐसा है, इसलिए आप लोग दान भी दो। एक बात और भैया ने कही कि यहाँ के लोग दान तो दे रहे हैं लेकिन बहुत प्रसन्नता और आनंद के साथ दे रहे हैं। सुनो, दान जितना आपने किया है उससे भी कई गुना आप और पुण्य बंद कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने दान दे मन हरस, आपने दान दिए और नगद दे दिए, अब घर में बधाई करो। कहे भाई इतनी बधाई क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैंने जो दान बोला था दे दिया, आज मैं निर्वृत्त हो गया और इतना आनंद बनाओ। आप शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जब मुनिराज के ऐसे आहार हो जाए जो विशिष्ट तपस्वी मुनिराज हो और ऐसा ही दाता हो, और जब दाता और पात्र की विशेषता हो जाती है तो वहां पर पंच आश्चर्य हो जाते हैं, देवलोक भी आनंद मनाने लगते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं। ऐसे जब भी कोई धर्म के कार्य करो, आहार दान आदि दो, कोई भी दान के कार्य करो, उसके बाद आनंद मनाने से जो पुण्य बढ़ता चला जाता है उसका कोई पार नहीं होता। पुण्य फला अर्हंता ऐसा कहा है, अच्छा इस निखाई को लिखा है कि पुण्य फूला है पाप का पतझड़, पुण्य फूला है पाप का पतझड़, फल अनंत उसके ऊपर लगते हैं। इसलिए यहाँ के आवाल वृद्ध सभी, चाहे बच्चे हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सभी के अंदर एक उत्साह है। ये कह रहे थे कि बच्चे लोग भी एक घंटे पहले से बैठे हैं, महाराज चलो, और ऐसे नहीं बैठे हैं बाजे लेकर के बैठे हैं, आप चलो और हम बजाएं। और यहाँ तक तो इतने छोटे छोटे बच्चे दो दो तीन तीन साल के हैं, कहते हैं महाराज हमें बाजे बजाने में नाम लिखवाओ टीम में। ये सामान्य नहीं कहलाता, कहते हैं जो देव शास्त्र गुरु के आगे ऐसे कार्य करते हैं
उनकी आगे हमेशा हमेशा करोड़ों बात बजते चले जाते। आज ये बच्चों को समझ नहीं रहे हैं आप लोग, इतना पुण्य संचय कर रहे हैं, आगे इनके आगे ये बैठेंगे हाथी के ऊपर और करोड़ों बाद देव लोग बाजे बजाते हुए इनके आगे आगे जाएंगे, क्योंकि परमार्थ के लिए ये लोग कर रहे हैं। वैसे तो लोग आजकल के बच्चे, हमने सुनाया था कल कि ऐसे बच्चे हैं कि नित नए फैशन बदलकर, नित नए फैशन बदलकर युवक बन रहे हैं हीरो, नित नए फैसल बदल कर युवक बन रहे हैं हीरो और धर्म कर के कार्यों में रह गए हैं जीरो। कैसे काका इनकी नैया होगी पार, कैसे काका इनकी होगी नैया पार, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो। ऐसे लोगों की नैया पार कैसे होगी, उनका तो मंगलम भगवान भगवान ही उनका मंगल करे, कल्याण करे। लेकिन यहाँ के सारे युवक धर्म कार्य के लिए उत्साहित हो जाते हैं और सब मिलकर के कहीं ना कहीं किसको कैसी अवस्था में लाभ लेना है लाभ ले रहे हैं। बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग ऐसा ही उत्साह बना रखना, क्योंकि ये धर्म के कार्यों में उत्साह दिन दूना रात चौगना होता है, तो उस सब की हाँ उस सब की सार्थकता हो जाती है। अभी तो आपका ये दूसरा दिन है, आप तीसरे दिन और उससे बढ़ा करके उत्साह के साथ कार्य करना है, क्योंकि यहाँ भगवान का यह समुसर लगा है, यहाँ को सब कुछ क्षेम ही क्षेम होती है, आप सबके क्षेम और उल्लास बना रहे इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की। जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आई का पहले हम जिनमानी स्तुति करते हैं भूमि के बाद रजत मई वेदी बनी हुई, इसके आगा परिखा भूमि जल से भरी हुई। जग में भव को छोड़ प्रभु ने सब शरण पाया, चलिए तीसरी लता भूमि पर आप लोग पुष्प क्षेपण करेंगे। लता भूमि से यो समोषण में रचना बनी, अनंत गुण से यो भूमि के आगे बेटी रचन मही अति सुंदर है, विश्वनाथ जिन समोषण लता भूमि अति पावन है, ज्ञान लता अर्पित तन मन जीवन है। बने हुए देव में तुर कीड़ा करते हैं, दिन भर कीड़े बोल रहे संभव जिनके सब शरण में लता भूमि अति पावन है, ज्ञान लता मम पुर नहिरा अर्पित तन मन जीवन है। ओम लता भूमि से समसन से समनाथ निंद्रण मार्ग रूपांति, बीच बीच में गोलित पुष्प्र कोण पापियां बनी हुई, सबके मन को लुभा रही है निर्मल जल से भरी हुई। अभिनंदन जिन सब शरण में लता भूमि अति पावन है, ज्ञान लता मम पुर नहिरा कहीं बीच में उन्नत पर्वत सीढ़ी उस पर शोभ रही, देव देवियां खजाना किन चरणों में खोल दिया, किन धनी ने किन वर देवी ज्ञान खजाना खोल दिया। पद्मा प्रभु जिन इंद्राणि मार्गम प्रपंति भूमि भूमि भूमि
चंद्रपुरी में चार कल्याणक श्री समेत शिखर से बहाए समम शरण के बीच बिराजे भक्त खुद जिन चंद्र खिलाए चंद्र प्रभु जिन समम शरण में लता भूमि अति पावने ज्ञान लता मम भूल नहीं आए हर चिंतन मन जीवन है भूमि में बीच बीच में मणिशनाएं बनी हुई हिम समान शीतल स्पर्शी चंद्र क्रांत की बनी हुई शीतल जिनके समम शरण में लता भूमि अति पावने ज्ञान लता मम भूल नहीं आए हर चिंतन मन जीवन है मनहर क्रीड़ा पर्वत इसमें प्रभु सैया भी शोभित है अरहे नाथ का समोषण सब जग को करता मोहित है लता भूमि में फूल खिले हैं भक्त भवन को उद्धार करे जिन वचनों का पराग की कर निज आत्म उद्धार करे नवीनाथ प्रभु का परशक का प्रवैया भी जाती कृदताएं ताल बजाकर नृत्य करे प्रभु गुणगाती लता भूमि में फूल खिली है भक्त भवन को उद्धार करे जिन वचनों का पराग भी कर निज आत्म उद्धार करे लता भूमि में स्वामी पशुपन बंधन खोल दिए हमें छुड़ाओ भवबंधन से तुमसे नाता जोड़ लिए लता भूमि में फूल खिली है भक्त भवन को उद्धार करे जिन वचनों का पराग भी कर निज आत्म उद्धार करे लता भूमि से समसन स्थिति नेमिनाथ जिनेन्द्रायण मार्गम रूपान्ति बाल ब्रह्मचारी पारस्थित क्षमा सिंधु उपसर्ग दे हमें लता संप्रदु बनाओ पास बुला लो मोक्ष मही लता भूमि में फूल खिले भक्त भवन को उद्धार करे जिन वचनों का पराग भी कर निज आत्म उद्धार करे लता भूमि से समसन स्थिति पाटना जिनेन्द्रायण मार्गम प्रभान्ति स्वाहा बिदगेह में वैशाली नदी कुंड ग्राम में जल भरिया महावीर जिन समक्षरण में मुक्ति का संदेश दिया लता भूमि में फूल खिले भक्त भवन को उद्धार करे जिन वचनों का पराग भी कर निज आत्म उद्धार करे ओम श्री लता भूमि से समसन स्थिति महावीर जिनेन्द्रायण मार्गम प्रभान्ति चलिए पूर्णार्घ चौबीस के छन न बाजे के बप्पा के जनिया हो Thank you.
शांति करो सब जगत में बृहस्पति की नाथ, शांति करो सब जगत में बृहस्पति की नाथ, शांति करो सब जगत में बृहस्पति अपने अपने